दिलीप जी, जिस तरह से सोशल मीडिया पे आपने कमेंट पोस्ट किया था, उसका क्या रिप्लाई आया सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से, बताइए खुल के। सबसे पहले तो हम BMC पुलिस अधिकारी माननीय श्री असलम शेख जी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पूरी कोशिशों का तहे दिल से बहुत ही अच्छी तरह से शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए और जो एरिया में गर्दी हो रही है उसको हटाने के लिए, हमारी एरिया में जो अनलीगल भाजी मार्केट था उसको हटा के उन्होंने 8 नंबर में शिफ्ट कर दिया, उसके लिए उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा है। और पूरी मेहनत में हम यहाँ के सामान जो लोकल लोग हैं जो यहाँ करीब 50 वर्षों से रहते हैं, हम पूरी उनकी सहायता करने को हर तरीके से तैयार हैं। क्या दिक्कत हो रही थी, क्या लगता है आपको प्रशासन उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई कर पाएगा? प्रशासन अपनी पूरी मेहनत कर रहा है लेकिन कुछ समाज के लोग अपने निजी फायदे के लिए, जैसे भाजी मार्केट में कुछ लोग अपने निजी फायदे के लिए हमारे पूरे सोशल डिस्टेंसिंग का कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, ये चीज़ हमने देखी। और इसके लिए मैंने CP साहब को, कमिश्नर जी को, अपने मुंबई कमिश्नर को और उद्धव ठाकरे जी को मैंने ऑनलाइन लॉकडाउन की वजह से मैं चौकी में नहीं गया और मैंने ट्विटर का माध्यम, जैसे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल कीजिए, वो हाथ जोड़ जोड़ के बोल रहे हैं कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, तो हमने कंप्लेंट, एक ट्विटर अच्छा माध्यम था इसलिए मैंने ट्विटर पे उसकी कंप्लेंट किया। क्या लगता है मालोनी में लॉकडाउन का असर नज़र आ रहा है आपको? लॉकडाउन का काफ़ी अच्छी तरह से असर आ रहा है लेकिन कुछ लोग इस उल्लंघन का, इस मर्यादा को नहीं पाल रहे हैं और उल्लंघन करे जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हमने गाड़ियाँ देखी जिसके वहाँ पर काटा लगा के वहाँ पर व्यापार हो रहा था, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? यही चीज़ है, जैसे वहाँ पे वो अपना व्यापार कर रहे हैं, एक वो एसेंशियल वस्तु है भाजी तरकारी, लेकिन वो एसेंशियल वस्तु को सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं कर रहे हैं और गंदगी बहुत कर रहे हैं, तो उसी विषय को लेकर हमने कंप्लेंट की थी। आपने सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे फोटो तो डाले, आप दिखाना चाहते हैं कि कहाँ के फ़ोटो थे? ये जो मेरे पीछे का आप एरिया देख रहे हो उसको पुलिस प्रशासन ने और BMC ने खाली करवाया है, लेकिन आप सुबह से लेकर शाम तक आएंगे तो आप देखेंगे सुबह 5 बजे से लेकर रात को 7-8 बजे तक यहाँ पे काफ़ी ट्रक खड़े हो जाते हैं जो गुजरात से, राजस्थान से, कहाँ कहाँ से आते हैं और ये ट्रक में से माल उतारा जाता है और हमारे रेसिडेंस एरिया के अंदर ये माल को लोग वहाँ के जो हमारे लोग हैं वो उतारते हैं। अच्छा। तो हमारी यही दिक्कत है कि कहीं कोरोना वायरस ना फैल जाए इसके लिए। क्या लगता है ये महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड की ये गुजराती स्कूल है, यहाँ पर किस तरह से लोगों ने कब्जा किया, क्या कहना चाहिए? अवैध कब्जा है। मुझे जितेंद्र अवार्ड जी जो हमारे मिनिस्टर है उनको भी मेरा एक निवेदन है कि ये एक जगह को आप एक सील बंद कर दें ताकि यहाँ पे कब्जा ना हो। ये तो अभी यहाँ पे बाजू में आप देख रहे हो 2 म्युनिसिपालिटी स्कूल है, आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट हुए, करीब करीब 6-7 एक्सीडेंट हुए जिसमें काफ़ी लोग मर भी गए। ये आप मालवनी पुलिस चौकी जाओगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी। क्या लगता है कितनी उम्मीद है आपको सरकार से ये ऐसे लोगों के ऊपर? सरकार से हमारी पूरी उम्मीद है, हम सरकार को पूरी मदद करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं हमने पूरे हमारे एरिया को लोखंड के गेट लगा के लॉकडाउन कर दिया है कि यहाँ पे कोई भी तकलीफ ना हो। एक बात खुल के भी आ रही है, जिस तरह से आपने शिकायत करने के बाद आपके ऊपर आरोप पे आरोप लग रहे हैं, क्या कहना चाहोगे उसका, किस तरह से खंडन? आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। मेरा एक अपना एक अनुभव है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मुझे कोई चीज़ का डर नहीं है। अभी हमने ट्रक वाले की किसी की पर्सनल नाम पे कंप्लेंट नहीं की थी, हमने एक कॉमन कंप्लेंट किया था ट्विटर पे कि यहाँ पे रोड को बाधित करके सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं कर रहे, तो उसमें जो ट्रक का मालिक है वो पुलिस चौकी में जाके ये कंप्लेंट करा कि ये मेरा नाम दिलीप कोटक है कि ये बंदा मुझसे भाजी फ्री में लेने और भाड़ा मांगने आया था, तो वो एक कोई निराधार कंप्लेंट थी जिसका कोई आधार ही नहीं था। तो जो पुलिस ऑफिसर ने मुझे बुलाया था उनको भी ये ज्ञात हो गया, समझ में आ गया कि गलत कंप्लेंट है, मैंने कंप्लेंट किया इसलिए उन्होंने जाके कंप्लेंट किया, तो ये कोई वो अपने बचाव करने की कोशिश कर रहा है कि मैं सही हूँ, लेकिन जब पुलिस ने ही पूरे प्रशासन ने यहाँ पे मार्केट को यहाँ से हटा दिया है तो बंदे का कोई सुनने वाला नहीं है। तो कोई भी ट्रक वाले हो, 6-7 ट्रक वाले हैं, अब वो उसको क्या तकलीफ थी, हमने तो सोशल डिस्टेंस के लिए कंप्लेंट किया था। पर्सनली वो मुझे, अब ये एरिया में मैं काफ़ी साल से रहता हूँ, हम लोग एक समाज सेवक है, काफ़ी अच्छे अच्छे हम लोग काम किए एरिया में, पुलिस को पता है, तो पुलिस ने समझ लिया कि ये ट्रक मालिक अपने स्वार्थ के लिए ही ये बंदे की कंप्लेंट करने आके आगे जाके कोई कंप्लेंट नहीं करे, लेकिन हमारे यहाँ के सब नागरिक कंप्लेंट करने को रोड पे आने को तैयार, लेकिन लॉकडाउन के हिसाब से कोई बाहर नहीं निकल रहा है, सब 100 पे और सोशल मीडिया पे कंप्लेंट कर रहे हैं और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन कुछ लोग इतना होने के बावजूद नहीं समझ रहे हैं और रोज़ रास्ते पे ट्रैफिक जाम करते हुए सोशल डिस्टेंस, आप आके वीडियो निकालना सुबह शाम आपको पता चल जाएगा। थैंक यू। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई शहर में जिस तरह से कोरोना वायरस को लेकर शासन और प्रशासन जागरूक तो है,
मतलब जहाँ तक की बात करें लॉकडाउन की, तो आपको दिखाना चाहता हूँ कि मलाड पश्चिम स्थित गेट नंबर 7 भाजी मार्केट में लोगों का रोजाना हजारों की संख्या में तांता लगा रहता है। खास करके एक बता दूं कि जिस तरह से महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जिस तरह से भाजी मार्केट अवैध तरीके से थमा पड़ा है, जिस वजह से लोगों का यहाँ पर बड़े पैमाने पर भाजी मार्केट में आवागमन शुरू होता है। मैं जहाँ की बात करें ट्रैफिक व्यवस्था की, तो ट्रैफिक की वजह से यहाँ पर बड़े पैमाने पर ऐसे कई अवैध गतिविधियों वाली वहाँ पर भाजी मार्केट में गाड़ियाँ मौजूद है, जिस वजह से बाहर के राज्यों से आने वाले जो मजदूर हैं यहाँ पर आने के बाद, शायद ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यहाँ के शिकायतकर्ता दिलीप कोटक ने अंदाज़ा जताया जा रहा है कि दूसरे राज्यों से जो मजदूर हैं यहाँ पर हमाली करने आते हैं, शायद उनके वजह से कोरोना वायरस की लागदाम बढ़ सकती है। आपको दिखा दें कि जिस तरह से हमारे विजुअल में आपको देख रहे हैं, जिस तरह से गंदगी का अंबार इस भाजी मार्केट में मौजूद है, सड़े हुए प्याज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भाजी मार्केट में लोगों के पैरों तले भाजियाँ दिखाई दे रही है, मगर शासन प्रशासन को इस बारे में शिकायत करने के बावजूद भी शासन आखिरकार क्यों जागरूक नहीं हो पा रहा है। मगर आपको दिखा दें कि जिस तरह से दिलीप कोटक शिकायतकर्ता हैं ट्विटर पर, जिस तरह से शिकायत अपनी दर्ज करने के बाद मालूनी पुलिस जागरूक तो हो चुकी है, मगर मालूनी पुलिस से शिकायतकर्ता ने निवेदन किया है कि इस कवायद में प्रशासन जागरूक होकर इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके लोगों को कोरोना वायरस से बचाने की एक कवायद की है।